प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज के सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से आए नई अपडेट को लेकर। तो क्या अपडेट दिया गया है बीपीएससी के तरफ से, वो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे 20 दिसंबर का दो अपडेट दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इम्पोर्टेंट नोटिस एंड डीवी वेरिफिकेशन प्रोग्राम आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर्स के लिए, और प्रमाण पत्र वन जो कि फील्ड करना है सबमिटिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका दिया गया है। और दूसरा अपडेट दिया गया है रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी इन कंप्लीएंस ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो उसके रिगार्डिंग जो 2014 में वैकेंसीज आई थी उसका जो है यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो है सारे पोस्ट का आप जो है देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम की, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर वालों का, तो डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर वालों का यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपका नोटिस दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो टोटल अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल हैं वो 97 अभ्यर्थी जो हैं एलिजिबल हैं आपके। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 दिसंबर को आपका जो है करवाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि आपका 10 बजे से है कि 2 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो और अपना रोल नंबर से चेकआउट कर सकते हो। इसका जो चेक स्लिप एक तरीके से कह सकते हो, या अपने आपको प्रमाण करने के लिए कि हम उसका कैंडिडेट हैं, तो अपना फोटो, नाम, रोल नंबर वगैरह सारा डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे डालकर ये जो है लेकर जाना होगा। पूरा परफॉर्मा दिया गया है कि किस तरीके से जो है आपको करना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा जो है आपको फिल करके ले जाना होगा। उसके बाद हम लोग ये परफॉर्मा के बारे में बात किया जाए, तो इसमें प्रॉपर डिटेल्स आपको भरने होंगे, फोटो चिपकाने होंगे, रोल नंबर डालना होगा, विज्ञापन नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, आपका नाम डालना होगा, पिताजी का नाम डालना होगा, जाति डालना होगा, है ना, सारी मतलब डिटेल आपको जो है भर के लेकर जाना होगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करें जो हाई कोर्ट के तरफ से नोटिस दिया गया, उसके आधार पे यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो है बोला गया है। तो ये 15 दिसंबर को जो है नोटिस पारित किया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तो वो उसके बारे में यहाँ पे जो है दिया गया। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो केस फाइल किए गए थे उनके लिए यह है, उनके लिए इम्पोर्टेंट ही है। उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा अपडेट था तो ये आपको जो है समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू।